स्वागत है आप सभी का JKVP चैनल पर। आज सुबह में ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ग्राफिकल मेथड के ऊपर, LPP का, यानी कि लीनर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। लीनर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वैसे दो मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है और एक सिंप्लेक्स मेथड है। ग्राफिकल मेथड में तो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है और मुझे कमेंट भी आए हैं कि आप सिंप्लेक्स के ऊपर प्रॉब्लम कराइए, तो मैं सोचा कि सिंप्लेक्स के ऊपर प्रॉब्लम मैं आपको बतला ही देता हूँ। वैसे मैं पहले ग्राफिकल मेथड को ही ख़त्म करने वाला था, उसमें मिनिमाइज केस के प्रॉब्लम और ट्री इक्वेशन के प्रॉब्लम और फार्मूलेशन के प्रॉब्लम भी कराने वाला था। कोई बात नहीं, मैं वो बाद में फिर बतला दूंगा, क्योंकि वो आसानी है चैप्टर। सिंप्लेक्स वाकई में टफ है। सिंप्लेक्स में भी कई मेथड है, मैक्सिमाइज केस है, मिनिमाइज केस है, थ्री इक्वेशंस के प्रॉब्लम है, प्राइमल केसेस है, बहुत सारे चीज़ें हैं, डीजनरेसी है, तो बहुत सारे केसेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके ऊपर मैं प्रॉब्लम आपको वन बाय वन ज़रूर बतलाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं एक प्रॉब्लम जो कि सुबह में भी डाला था, सेम वही टाइप का प्रॉब्लम, मतलब वही प्रॉब्लम को मैं सिंप्लेक्स में कन्वर्ट करके, सिंप्लेक्स में सॉल्व करके आपको अभी बतलाना चाहता हूँ। तो ध्यान से देखिए, सिंप्लेक्स थोड़ा लेंथी रहता, थोड़ा सा टफ रहता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको आसानी से समझाने की। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले यही रहा ना आपका प्रॉब्लम, तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करिए, इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स। अब ये स्लैक वेरिएबल्स यानी कि S1 एंड S2, अगर तीन इक्वेशन है तो तीन बार S1, S2 एंड S3। वैसे और भी कई बातें हैं इससे रिलेटेड, कभी कभी आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता, अगर कभी ये सिंबल दिया तो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिया तो, साथ में एस भी इंट्रोड्यूस होता उसके, और अगर कभी खाली इजिकल टू दिया तो ओनली आर्टिफिशियल वेरिएबल ही इंट्रोड्यूस होता। खैर वो अभी फ़िलहाल तो हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू का केस है, तो सिर्फ स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा। ये सब मैं बाद में आपको ज़रूर बतलाऊँगा अलग अलग प्रॉब्लम में। फिलहाल अब ये इंट्रोड्यूस होने के बाद में प्रॉब्लम कैसा बदल जाएगा वो देखिए ज़रा। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 5x1 + 3x2 + 0s1 + 0s2। जीरो के साथ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये हम सिर्फ हेल्प के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उसका कोई इम्पैक्ट प्रॉब्लम पर ना पड़े, इसीलिए ज़ीरो से इंट्रोड्यूस करते उसे। अभी सब्जेक्ट टू ये हो जाएगा 3x1 + 5x2 + s1 = 15, 5x1 + 2x2 + s2 = 10, पहले वाले में s1, दूसरे वाले में s2। हाँ, अब इसके बाद में आपको सिंप्लेक्स टेबल का उतारना पड़ेगा। ये ज़रा ध्यान से देखिए आप, ये बहुत खास है। सबसे पहले CB, इसके बाद में BV, फिर CJ और XP। यहां पर मिनिमम रेशियो और हाँ, अब देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव केस है आपका, यहां पर लिखिए आप X1 X2 S1 S2, और इनके ऊपर के इनके वैल्यूज लिखिए 5 3 0 0। सबसे पहले ये कॉलम में आप लिखिए S1 S2, स्लैक वेरिएबल से प्रॉब्लम की शुरुआत करना, और इनके वैल्यूज है 0 0 0 0। फिलहाल अब इक्वेशंस के आंसर्स यहाँ पर लिखना, 3x1 + 5x2 s1 यहाँ पर लिखना चाहिए, इज इक्वल टू 15 यहाँ पर लिखना, और यहाँ पर x1 यानी कि 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, ओनली s1 यानी कि 1, और ये इक्वेशन में s2 तो मौजूद ही नहीं है इसलिए 0। दूसरा देखिए, 10 5 2 0 1। अब यहाँ पर 1 s2 की जगह और s1 की जगह 0, इसलिए क्योंकि यहाँ पर s1 तो है ही नहीं इसीलिए। चलिए, तो इसके बाद क्या करना है देखिए आप,
इसके बाद आपको करना है जेड जे, फिर सी जे माइनस जेड जे। देखिए मैं बतलाता हूँ आपको, तो 0 × 3, 0 × 3 इज इक्वल टू 0, फिर 0 × 5 इज इक्वल टू 0, टोटल हुआ 0। ऐसा टोटल करके लिखना 0, पहले वाले सब 0 ही आएंगे, 0 0 0, 0 × 5 0, 0 × 2 0 ही आएंगे ना। अब 5 में से ये 0 लेस कीजिए तो आपको बच जाएगा 5, 3 में से ये 0 लेस कीजिए बच जाएगा 3, 0 में से 0 मतलब 0 और ये भी 0। अब आप एक बात याद रखिए, अगर कभी ये सी जे माइनस जेड जे पूरे 0 आ जाते हैं या फिर पूरे नेगेटिव माइनस आ जाते हैं तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर दो नंबर तो 0 है लेकिन दो पॉजिटिव यानी कि प्लस वाले नंबर है, ये या तो नेगेटिव होने चाहिए या फिर 0 होने चाहिए, 0 या 0 से छोटे होने चाहिए। तो फिलहाल अभी आपको एक काम करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा नंबर है उसके कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह, इसे कहते हैं की कॉलम, की कॉलम। और ये 15 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा मिनिमम रेशियो में, तब ये आएगा 5। ये 10 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तब ये आएगा 2। इन दोनों में जो भी छोटा है वो रो कहलाएगा, की रो। इसको भी आप ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए, ये बन गया आपका की रो। और इन कॉलम और रो के बीच में जो नंबर फंस गया है उसे कहते हैं पाइवट नंबर या फिर की नंबर। बहरहाल इन सब का करना क्या है आपको वो देखिए, आपको अब नए वैल्यूज मालूम करने पड़ेंगे, न्यू वैल्यूज सबसे पहले की रो के लिए मालूम करने पड़ेंगे, की रो। और की रो के लिए मालूम करने का फार्मूला है ओल्ड वैल्यूज डिवाइडेड बाय की नंबर। तो अब ओल्ड वैल्यूज क्या है देखिए, की रो के 10 5 2 0 1, 10 by 5, फिर 5 by 5, फिर 2 by 5, फिर 0 by 5, फिर 1 by 5। तो इसके आंसर हो जाएंगे 2 1 0.4 0 0.2। ये आ गए आपको की रो के नए वैल्यूज़। अब नॉन की रो के भी यानी कि इसके लिए भी वैल्यूज़ फाइंड आउट करना, लेकिन उसका फार्मूला थोड़ा अलग है। चलिए तो नॉन की रो के वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का फार्मूला है ओल्ड वैल्यू माइनस करेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन की कॉलम इंटू न्यू वैल्यू इन की रो, करेस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यू इन की रो। ये देखिए मैं आपको अब समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। ये सब रहे आपके ओल्ड वैल्यू 15 3 5 1 0, और करेस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू यानी कि ये 3, और न्यू वैल्यू यानी कि जो अभी अभी हम फाइंड आउट करे थे ये। देखिए मैं सबमिट करके आपको अच्छे से समझाता हूँ अब। तो ओल्ड वैल्यूज़ है 15 3 5 1 0, और आपका करेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन की कॉलम है 3, सबके लिए 3 कॉमन है वो। और न्यू वैल्यू जो अभी अभी आपने फाइंड आउट किए थे ना की रो के लिए, बस वही आपको रख देने हैं 2 1 0.4 0 0.2। अब इसे सॉल्व कीजिए, 15 - 6 इज इक्वल टू 9, 3 - 3 इज इक्वल टू 0, 5 - 1.2 इज इक्वल टू 3.8,
माइनस जीरो इज इक्वल टू वन, और ये आ जाएगा आपका 0. माइनस में 0.6, तो ये इसके वैल्यूज आ गए। अब इन नए वैल्यूज को लेकर के आपको फिर से सिंप्लेक्स टेबल बनाना पड़ेगा। सिंप्लेक्स टेबल यू नंबर टू, हाँ एक बहुत ही खास बात आपको मैं बतलाना भूल गया कि अब पुराने टेबल को आप जरा देखिए एक बार, इसमें ये जो की कॉलम है ये बना है X1 के ऊपर, तो ये नंबर अब नए टेबल में आएगा यानी कि एंटर होगा, और ये जो की रो है ये बना है S2 के ऊपर, तो ये S2 अपनी जगह से चले जाएगा, ये X1 यहां पर आ जाएगा और ये S2 यहां से गायब हो जाएगा। देखिए मैं लिखता हूं अभी आपको, तो CB, ये देखिए CB BV CJ XB X1 X2 S1 S2, अब यहां पर S1 तो अपनी जगह पर रहने वाला है लेकिन ये S2 गायब होकर आने वाला है X1, यहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा S2 इज लीविंग एंड X1 इज एंटरिंग, मतलब कि जो कॉलम बनता है ना वो कॉलम का वैल्यू यहां पर आकर फिट हो जाएगा और रो का गायब हो जाएगा। बहरहाल अभी आपको वैल्यूज रखने हैं, सबसे पहले कीरो के वैल्यू रखिए, यहां पर ही बना था ना कीरो, तो कीरो के वैल्यूज है, नए वैल्यूज है 2 1 0.4 0 0.2, और नॉन कीरो के वैल्यूज है 9 0 3.8 1 और माइनस में 0.6। अब आप फिर से कोशिश करिए, यहां पर था 5, यहां पर था 3, ये 0 ये 0, और S1 के पीछे था 0 और X1 के पीछे है 5। अभी आप रख कर देखिए सॉल्व होता क्या, ये 0 इंटू 0 तो 0 हुआ, 5 इंटू 1 मतलब कि 5 हुआ, टोटल 5। अब 0 इंटू 3.8 तो 0 हो गया, 5 इंटू 0.4 तो ये हो जाएगा देखिए आप 2, फिर 0 इंटू 1 तो 0 हो गया, 5 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू माइनस 0.6 0 हो गया, 5 इंटू 0.2 ये हो जाएगा आपका 1। तो अब सी जे माइनस जेड जे कोशिश करें, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1 प्लस में 1 ये 0 और ये माइनस में 1, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि ये पूरे नंबर या तो 0 आने चाहिए या तो नेगेटिव आने चाहिए, तो एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि अब हमको फिर से सब कुछ वैसे ही रिपीट करना पड़ेगा। देखिए ये बन जाएगा आपका की कॉलम, तो इसी तरीके से ये कई कई बार चार चार बार भी बन सकता है बॉक्स, बहुत लेंथी है सिंप्लेक्स का प्रॉब्लम। अब 9 को डिवाइड कीजिए 3.8 से और 2 को डिवाइड कीजिए 0.4 से, देखते हैं क्या आता है ये, तो ये आ जाएगा 2.36 और ये 5 मिनिमम रेशियो, तो सबसे छोटा नंबर इन दोनों में तो यही रहा। अब इस बार कीरो इस तरफ बनेगा, अब अगले बॉक्स में X2 आ जाएगा और S1 निकल जाएगा, यानी कि जो कॉलम बनता है ना वो आता है और जो रो बनता है वो जाता है। बहरहाल अब ये वैल्यूज लेकर आपको फिर से सेम नंबर्स मालूम करना है, सबसे पहले कीरो के लिए कीरो के न्यू वैल्यूज़ कीरो वैल्यूज़
फार्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा, ओल्ड वैल्यू बाई की कॉलम की नंबर, तो ओल्ड वैल्यू है 9/3.8, ये है ना आपका की नंबर, और 0/3.8, 3.8/3.8, 1/3.8 और -0.6/3.8, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2.36, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0.26 और ये आएगा आपका 0.6/3.8 -0.15। अब नॉन क्यूरो के लिए भी आपको वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे। देखिए दूसरे पेज में दिखाता हूँ, तो फार्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा, ओल्ड वैल्यूज़, ओल्ड वैल्यूज़ है देखिए 2, 1, नॉन क्यूरो इस बार ये है ना 2, 1, 1, 0.40, 0.40 और 0.2, 0.2 माइनस की कॉलम वैल्यू, करेस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू जो कि है आपका 0.4, सभी में 0.4 लिखना, 0.4, 0.4, 0.4 और 0.4 इंटू की रो के नए वैल्यूज लिखना, 2.6, 2.36, 0 और 1 और 0.26 और 0 माइनस 0.15। चलिए अब इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आता है। तो ये वैल्यूज आपकी इस तरीके से आ जाएंगी, तो वैल्यूज आपकी इस तरीके से आ जाएंगी 2 -0.4 इंटू 2.36 इंटू करने पर इतना आएगा, ये माइनस करने के बाद आपके वैल्यू आएंगे 2 -0.944, 1.056, ये तो 1 आएगा और ये 0 आएगा, ये तो माइनस में आ गया देखिए आप 0.104, और ये आंसर प्लस हो गया क्योंकि ये माइनस और ये भी माइनस था ना, तो प्लस हो जाएगा 0.6, 0.06 आया था, तो टोटल हो गया ये 0.26। चलिए अब ये नंबर लेकर फिर से टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि इस बार ये सॉल्व होता है या नहीं। बहरहाल सबसे पहले अपने को ये लिखना पड़ेगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो इस बार X2 आ रहा है और S1 जा रहा है। X2 इज एंटरिंग एंड S1 इज लीविंग। देखिए टेबल, देखिए सिंप्लेक्स टेबल नंबर 3, कभी कभी 4 तक भी जाता है, ये कभी कभी तो 5 तक भी जाता। बहरहाल सी बी बी वी सी जे एक्स बी मिनिमम रेशियो, X1 X2 S1 S2, X1 के वैल्यूज़ क्या थे 5300, ये तो कभी बदलने वाला नहीं है 5300। हाँ अब यहाँ पर आ गया है हमारा X2, S1 निकल कर X2, और यहाँ पर तो पहले की जगह से ही X1 मौजूद है। देखिए X1 निकल गया, X2 आ गया, X1 तो अपनी जगह कायम है। अब न्यू वैल्यूज़ लिखेंगे, पहले की रो के वैल्यूज़ लिखेंगे, तो की रोज के वैल्यू है हमारे 2.3601, ये यहाँ पर भी तो लिखे ना हम 2.3601, 0.26 और -0.15। ओके
अब नॉन कीरो के वैल्यूज लिखेंगे 1.1.056, ये रहा और ये 1, फिर 0, माइनस 0.104, 0.26। थका दिया भाई ये प्रॉब्लम ने तो थका दिया। बहरहाल X2 के इधर की वैल्यू है 3, X1 के इधर की वैल्यू है 5। ओके राइट, अब फिर से ट्राई करेंगे। ZJ CJ माइनस ZJ, तो 3 × 0 0 हुआ, 5 × 1 5 हुआ। ठीक बात है, 3 × 1 3 हुआ, 5 × 0 0 हो गया, यानी कि टोटल आंसर 3 हुआ। अब 3 × 0.26, 3 × 0.26, फिर 5 × −0.104, देखेंगे ये कितना आता है। तो इन दोनों का आंसर आया 1.08 माइनस 0.52, माइनस करने पर ये आ जाएगा 0.08 माइनस 0.52, 0.56, 0.56, और ये आ जाएगा आप 3 × 0.15, 3 × 0.15, ये आ रहा है, यहाँ पर लिख लूँगा मैं, रफ़ है ये, 0.45, और 5 × 0.26, 5 × 0.26 आने वाला है 1.3, यानी कि 1.75, 1.75। चलिए फिर से ट्राई करते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 0 में से 0.56 गया तो माइनस में 0.56, क्योंकि माइनस करना है ना। फिर ये 0 में से 1.75 जाएगा तो भी बच जाएगा माइनस 1.75, यानी कि सी जे माइनस जेड जे पूरे 0 है या उससे छोटे हैं, मतलब कि ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुका है। बस अब आंसर किस तरीके से लिखना है मैं आपको दिखाता हूँ। सिंस, यहाँ पर लिखिए आप, सिंस सी जे माइनस जेड जे आर ऑल नेगेटिव आर 0, देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, मेन प्रॉब्लम लिखी है अब आपका। मेन प्रॉब्लम आपको शायद याद ही होगा, बहुत पीछे गया ये, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2। 5x1 की जगह क्या आया देखना पड़ेगा, 3x2 की जगह क्या आंसर आया देखना पड़ेगा। देखिए टेबल में देखिए, x1 की जगह आया है 1.056 और x2 की जगह आया है 2.36। ये फिट कीजिए, 1.056, 2.36, 36। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 × 1.056, 5.28 प्लस 3 × 2.36, 7 इतना आया, इन दोनों का प्लस करने पर आ जाएगा 0.28 प्लस 7.08, 12.36। शायद हमें ग्राफिकल मेथड में भी यही आंसर आया था, एक बार देखते हैं। ये देखिए ग्राफिकल मेथड का आंसर 12.33 और ये सिंप्लेक्स मेथड का आंसर 12.36, यानी कि करीब करीब वही आंसर है। तो इस तरीके से सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करना चाहिए।